वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रीडम न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ 74 वार्ड के सैयद सलीम मुल्ला, उनकी अहलिया बीबी मरियम मुल्ला, ये जो 74 वार्ड में अब कैंडिडेट न्यू ठहरने वाले हैं, इनके साथ थोड़ा बहुत हमें रब्ता कायम करेंगे। वहाँ के हल क्या क्या है, क्या करने वाले हैं, कौन सी पार्टी में ठहरने वाले हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपका नाम? बीबी मरियम मुल्ला। आप कौन से वार्ड से ठहरने वाले? 74 वार्ड से ठहरने। कांग्रेस पार्टी। मैं लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ और जो भी हमारे वार्ड में मसले रहेंगे वो हम ज़रूर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। जो हैं उनके हस्बैंड सलीम साहब से हमें जो गुफ्तगू करने वाले हैं। सलीम सर, आप जो भी मैडम को ठहरा कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, क्या पर्पज़ से ठहरा कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से ठहरा कर रहे हैं? जहाँ तक भी आपको देखा, हमारे कांग्रेस पार्टी में आप काम किए हैं, तो आपको क्या लगता है अब इस मामले में? इंशाल्लाह हमारा वार्ड 74 वार्ड इंशाल्लाह और जनरल हुआ करके इसके लिए पहली बार मौका मिला हमें खिदमत करने का। इतने दिन से हम पार्टी में वर्क करते थे, कांग्रेस पार्टी से मैं इससे पहले बहुत काम कर चुका हूँ और खिदमत भी कर चुका हूँ अपने लोगों की। इंशाल्लाह इस बार अपने वार्ड से हमें टिकट की गुंजाइश है। इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए मेरी बीबी खड़ी हो रही है वार्ड नंबर 74। इंशाल्लाह ये बार अगर से टिकट फाइनल हुई तो इंशाल्लाह हमें खिदमत करने का मौका दो, तो इंशाल्लाह हमें वो मौका गंवा देना, इंशाल्लाह काम करके दिखाते। सलीम मुल्ला उनके भतीजे वसीम, उनके साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे हमें, क्या के वहाँ पे जो वर्कर ये भी काम करते हैं उनके साथ। सलीम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वसीम मुल्ला है। मैं, हमारे चाची अभी इलेक्शन ठहर रहे हैं। वो आपको कैसा महसूस हो रहा है, इनको टिकट मिली या ना मिलेंगी? इंशाल्लाह हमारे लीडरों पे हमें पूरी उम्मीद है, हमें टिकट मिलेगी क्योंकि हमने पार्टी का पहले से भी बहुत सालों से काम करते आए हैं। इंशाल्लाह हमारे इरादे मकसदात ये है कि अभी जो रनिंग कॉरपोरेट रहे, डेवलपमेंट देख रहे हैं क्या हुआ, तो हमारा इरादा ये है कि जब हमारे मोहल्ले का, हमारे घर का आदमी जब लड़ेगा इलेक्शन, जब जीतेगा, तो मोहल्ले का और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा क्योंकि हमें एजुकेशन के मामले में काम करने वाले हैं, एजुकेशन को डेवलपमेंट करने वाले, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह पढ़ाने वाले का सोच रहे हैं और डेवलपमेंट बहुत सारा होना चाहिए हमारे एरिया में, अभी तक नहीं है। वही डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये इस बार डिसाइड किए कि हम बाहर वाले को लाने से अपने घर से ही यानी हमारे मोहल्ले से ही इस बार हम इलेक्शन पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और आने वाले दिनों के अंदर जब हमारा वार्ड देखा जाएगा तो हुबली धारवाड़ महानगरी पालिके में एक ऐसा वार्ड बोल के आना, इसका एक ऐसा निशान होना चाहिए जैसा कि डेवलपमेंट में जब से पहला अवार्ड मिले हमारे वार्ड को, हमारा मकसदात यही है। वसीम, आपको आपके चाचा पे उतना भरोसा है कि इलेक्शन जीतेंगे और आगे चल के काम करेंगे? बहुत ज़्यादा भरोसा है क्योंकि हमारे वार्ड के लोगों ने इतना हमें भरोसा दिखाया है कि क्योंकि पूरे वार्ड के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलके हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर, क्योंकि इस बार हमारे घर का चेहरा देखना चाहते हैं, मतलब हमारे वार्ड का ही इंसान देखना चाहते हैं, किसी और को अपनी गद्दी पे नहीं बटाना चाहते। अब जब हमारे घर का इंसान होगा तो थोड़ी ना थोड़ी अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए थोड़ा ना थोड़ा सोचेगा बोल के ये इरादे से हमें लोगों ठहरा करें। इंशाल्लाह हमारी जीत भी होगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम होगा हमारे वार्ड में।